नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एआर किचन में। आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए हुए बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को बनाने के लिए ना हम मावा का इस्तेमाल करेंगे और ना ही चाशनी का। इस रेसिपी को मात्र हम 10 मिनट में बहुत ही कम मेहनत में बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिना गैस जलाए हुए मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप चीनी। चीनी को हम मिक्सर के छोटे वाले जार में डाल देंगे। चीनी को पीसने के लिए हम मिक्सर के छोटे वाले जार का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 12 से 15 काजू। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप 3 से 4 हरी इलायची को कूट करके तब ले सकते हैं। अब हम मिक्सर के जार के ढक्कन को लगा देंगे और इन सारी चीज़ों को बारीक पीस करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। हमें ठीक इसी तरह बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। अगर आपको चीनी में दाने जैसे लगे तो आप इसे चन्नी में छान कर ले सकते हैं। इसका बिल्कुल मही पाउडर हमें चाहिए। अब चीनी के पाउडर को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब मिक्सर के सेम जार को हम लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा कप नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे को भी हम बारीक पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल के बुरादे को बारीक पीस करके तैयार कर लिया है। इसे भी मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, इसीलिए चीनी डालते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चीनी हमें हिसाब से ही डालना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए ना हमें कोई मावा की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई चाशनी की। बिना गैस जलाए हुए इस मिठाई को आज हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। तो यहाँ पर हमने उबला हुआ ठंडा दूध लिया है। इसमें हम कच्चा दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूध को उबालने के बाद, ठंडा हो जाने के बाद दूध का इस्तेमाल करेंगे। डो बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, जैसे 1 से 2 छोटे चम्मच दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा दूध डालने से क्या होगा, हमारा डो जो है गीला बन जाएगा, जिससे हमारी मिठाई जो है अच्छी नहीं बनेगी। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर इसमें थोड़ा दूध डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। दूध इसमें हमें इतना डालना है जिससे कि इसका एक सॉफ्ट डो बनके तैयार हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, मिठाई बनाने के लिए हमारा परफेक्ट डो बनके तैयार हो गया है। इस डो को बनाने के लिए हमने टोटल 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब मिठाई बनाने के लिए डो में से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे। पोषण हमें पहले जितना लेना है, अब क्या करेंगे, हाथों को गोल घुमाते हुए इसे एक लड्डू का शेप दे देंगे। अब हथेली से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। आप चाहें तो इसे लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक मिठाई बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और केसर के धागे से गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सिल्वर वर्क से भी गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना, इसे कोई भी बनाकर तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर हमने एक मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। सेम इसी तरीके से बाकी सारे मिठाई को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम सामानों में ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। एक बार इसे मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। ये बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बनके तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में स्टोर करके 7 दिन तक रख सकते हैं। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।